बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यू क्यू है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि इन्वॉल्व करती है साइनोवियम ऑफ द जॉइंट को। ठीक है, प्रोटीन जहाँ भी होगी बॉडी में उस पर अटैक करेगी। ये बेसिकली ज़्यादातर स्मॉल जॉइंट को इन्वॉल्व करती है बॉडी के। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टेमिक डिजीज़ डेट हैज़ मैनी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन। यूजुअल ऑनसेट 20 से 40 होती है। ठीक है, मोर कॉमन इन द वुमन देन इन द मैन। ठीक है, अब इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक जो भी साइनोवियल कैविटी होती है ना उसकी, एक तो साइनोवियल और एक फाइब्रस लेयर होती है। ठीक है, रूमेटॉइड फैक्टर जो है ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है प्रोटीन जब इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज करती है और अटैक कर देती है नॉर्मल सेल को। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, इसके अंदर HLA जीन है और नॉन HLR जीन भी होती है। PTPN2 है, इसे हम कॉर्डन सिंड्रोम भी कहते हैं। जो ऑटो इम्यूनिटी लोकल इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस होता है इन एन ऑटो इम्यून रिएक्शन, टी सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। एक इन्फ्लेमेटरी पॉलीआर्थराइटिस क्या होता है कि जॉइंट स्वेलिंग हो जाती है, जो भी जॉइंट है ना वो स्वेल कर जाएगा। कैन इन्वॉल्व एवरी जॉइंट इन द बॉडी एक्सेप्ट द डिस्टल। क्या हुआ, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आपकी पेन ऑन द मोशन ऑन टेंडनेस इन द जॉइंट, जॉइंट में पेन होगी, टेंडनेस होगी, जॉइंट्स ऑफ द हैंड इन्वॉल्व होंगे कौन से, प्रोक्सिमल और मेटाकार्पोफेलेंजियल। ठीक है, और रिस्ट नीज, ज़्यादातर जो मैंने आपको बताया था स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं यानी कि हैंड्स के। ठीक है, और रिस्ट इन्वॉल्व हो सकती है, एंकल्स के बाद में आएंगे। ठीक है, ये इस तरह मूव करेंगे, पहले हैंड्स के फिर रिस्ट के, पहले स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे बाद में दूसरे। इसके अंदर बेसिकली क्या है, हैंड की डिफॉर्मिटीज हो जाती है, अल्नर डेविएशन हो जाएगी मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट की। ठीक है, इसके अंदर प्रोक्सिमल और मेटाकार्पल इन्वॉल्व होते हैं, डिस्टल नहीं इन्वॉल्व होते। ठीक है, इसमें बटन या डिफॉर्मिटी हो जाती है जो आपका प्रोक्सिमल, जैसे आप बटन को दबाते हैं ना तो वैसे ही अगर आप दबा के देखें तो आपका जो प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है वो फ्लेक्स होगा। ठीक है, इसके अलावा जो डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट होगा वो हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें स्वान नेक डिफॉर्मिटीज होती है फिंगर्स की, इसमें मेटाकार्पोफेरेंजियल फ्लेक्स होता है, प्रोक्सिमल वाला हाइपर एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोक्सिमल फ्लेक्स था, यहाँ हाइपर एक्सटेंडेड है, यहाँ डिस्टल हाइपर एक्सटेंडेड है, यहाँ फ्लेक्स, और ये भी फ्लेक्स होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम इसके अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट होती है। इधर सबसे ज्यादा सिनेरियो में यही बताया होता है मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो कि जैसे जैसे डे गुजरता है उसको इंप्रूव करती है। ठीक है, लो ग्रेड फीवर होगा, वेट लॉस होगा, फटीग होगी प्रोमिनेंट, इट इज अ सिस्टेमिक डिजीज, सर्वाइकल, ये एमसीक्यू ज्यादा है कि सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। कुछ लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है और उनको जब भी न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हुई होती है तो उसको ऐसे बेड पर लिटाते हैं और उनका वही डैमेज हो जाता है जॉइंट। अब देखिए, इनस्टेबिलिटी ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन इज अ पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, ऑल द पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैव अ सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे, अगर कोई भी सर्जरी उनकी कर रहे हैं तो उनसे पहले उनका एक्सरे करवाएं कि उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है। ठीक है, हाउएवर डिमांड्स हैव ड्रामेटिकली रिड्यूस द नीड फॉर द स्पाइनल। इसके अलावा कह रहे हैं रूमेटॉइड में ये सर्जरी कम होगी इसकी नीड सर्वाइकल स्पाइन की। कार्डिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यू एंड कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज एंड द वॉल्वर इनकॉम्पिटेंस। नेक्स्ट देखें, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है तो हो सकती है, प्लूरल इफ्यून, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकती है, एक ऑकुलर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन की, सब कुटेनियस रूमेटॉइड नोड्यूल्स बन सकते हैं एक्सटेंसर सरफेस पे। ठीक है, पैथोग्नोमिक साइन होता है आरए का। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ये आपने याद रखना, सब कुटेनियस रूमेटॉइड नोड्यूल्स। नेक्स्ट, इसको लेबोरेटरी के अंदर आपने आरएफ फैक्टर करवाना होता है, अगर ये आरएफ फैक्टर हाई होता है विद द स्वेयर इन स्वेयर डिजीज। ठीक है, रूमेटॉइड फैक्टर इज इवेंचुअली प्रेजेंट इन 80% ऑफ द पेशेंट बट मे आल्सो बी प्रेजेंट इनटू 3% ऑफ द एंटायर रूमेटॉइड फैक्टर टाइटस चेंज विद द डिजीज एक्टिविटीज, हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द प्रोग्नोसिस। इसके अलावा एंटीसिटोलेटिन एंटीबॉडीज, ये सेंसिटिव टेस्ट है। ठीक है, जैसे हमने उसके अंदर एनए पढ़ा था, इसके अंदर आएगा ACPA एंटीबॉडीज। ठीक है, एलिवेटेड ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन और एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। पेशेंट विद द डायग्नोसिस ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैव अ पॉजिटिव आरएफ फैक्टर ACPA और बोथ आर द हाई रिस्क ऑफ द डैमेज। ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट विद द डिमांड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस चेंज इन द जॉइंट्स आर यूजुअली मोर एक्सटेंसिव, इसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव और स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होती है। आपको डायग्नोसिस भी पता चल गया कैसे करें, इसके अलावा इसकी डायग्नोस करते हैं आपकी टेबल बना सकते हैं। रूमेटॉइड नोड्यूल्स है, पैथोग्नोमिक साइन है, पल्मोनरी में प्लूरल फ्लूइड है। ठीक है, प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकती है, कार्डाइटिस में रूमेटिक नोड्यूल्स बन सकते हैं, आईज में स्क्लेराइटिस है, नर्वस सिस्टम के अंदर मोनोन्यूराइटिस है, इन्फार्क्ट हो जाएगा नर्व ट्रंक और फैल्टी सिंड्रोम में याद रखना है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, न्यूट्रोपेनिया और स्प्लेनोमेगैली होगी। ठीक है, ब्लड के अंदर एनीमिया ऑफ, इसमें नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटी का एनीमिया होता है। ठीक है, अब इसे इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, अगर तो आपने डायग्नोस को एस्टैब्लिश करना है क्लिनिकल क्राइटेरिया, सेरोलॉजिकल टेस्ट, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स और एक्सरे देखेंगे। ठीक है, अगर आपने एक्टिविटी डिजीज एक्टिविटी को मॉनिटर करना है तो आप पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस, जॉइंट टेंडनेस, अगर डिजीज डैमेज को करना है तो फंक्शनल असेसमेंट और एक्सरे, एक्टिविटी को देखना है तो मॉर्निंग स्टिफनेस, पेस पेन, जॉइंट टर्नस, डिजीज एक्टिविटी को देखना है तो फंक्शन असेसमेंट और एक्सरे, ड्रग सेफ्टी को देखना है तो यूरिन एनालिसिस, हेमाटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री करवाएंगे। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में ये टेबल बना देते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट होगा। अब इसके रेडियोग्राफ के अंदर क्या होगा, जो जॉइंट स्पेस होती है ना वो नैरो ही होती है। ठीक है, ड्यू टू द थिनिंग ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज बोनी एरोजन मिलेंगे मार्जिन ऑफ द जॉइंट पे, और साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस के नॉन स्पेसिफिक होता है। ट्रीटमेंट आपने क्या देना है, जब उसको पेन है तो आप एनसेड देंगे, इसके अलावा लो डोज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमने डिमांड्स देने होते हैं, यूज़ करते हैं मोर्टेलिटी को, कॉम्प्लिकेशन को लिमिट करेंगे, प्रोग्रेशन को स्लो करेंगे, जॉइंट फंक्शन को प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमें फर्स्ट लाइन जो होता है ना वो मेथोट्रेक्सेट देते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट जो है इसका यूक्यू है, इसमें क्या होगा, GIT अपसेट, ओरल अल्सर, माइल्ड एलोपेशिया, बोन मैरो सप्रेशन होगी, पेट्रोसेलुलर इंजरी होगी, इसके अलावा पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगी और लीवर एंजाइम, लीवर और रेनल फंक्शन को मॉनिटर करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे विद द फोलेट, लेफ्रोनोमाइड इज एन अल्टरनेटिव टू द मेथोट्रेक्सेट, कैन बी यूज एन अर्जेंट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अल्टरनेटिव फर्स्ट लाइन डिमांड है, इट रिक्वायर्स आई एग्जाम, हर सिक्स मंथ के बाद आई एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, सल्फासैलासिन जो है ये फर्स्ट लाइन एजेंट होता है और एंटी TNF इसके अंदर एंटीबॉडी एंड इनिबिटिंग एजेंट जो होंगे वो यूज़ करेंगे। ठीक है, PPT स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है, सर्जरी में आप साइनोवेक्टमी कर देंगे, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट
ठीक है, इसका ये ट्रीटमेंट हो गया। क्या करेंगे, हम इथोट्रिक्सेट देंगे, लिफ्लोनामाइड दे सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दे सकते हैं, सल्फासैलाजिन दे सकते हैं, और उसके बाद सर्जरी अगर साइनोवेक्टर में ज्वाइन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब इसके वेरिएंट्स देख लें, फैल्टी जुवेनाइल है और कैपलान है। कैपलान के अंदर निमोकोनियोसिस होगा, जुवेनाइल बिफोर 18 ईयर होगा, और फैल्टी के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। अब हम इसके यूक्यूज देखते हैं। अब इसके यूक्यूज देखें, 25 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट टू द ओपीडी विद अ कंप्लेन ऑफ द मल्टीपल सिमेट्रिकल जॉइंट एंड द पेन सिंस लास्ट 2 मंथ्स। जब भी वो कहेगी ना कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे जोड़ों में मतलब दर्द होती है, छोटे जॉइंट्स में, जैसे कि वो कहेगी हैंड्स के जॉइंट्स में मुझे पेन होती है, इट्स मीन क्या है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस। इन्वेस्टिगेशन में आप वही इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्लिनिकल क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है, रिमाटॉइड फैक्टर करवा के देखेंगे उसके अंदर, वही जो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन का टेबल बनाया बताया, या तो वो बना दें या फिर वही सिंपल डायग्नोज लिखते हैं, इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। अब आपने इसे ट्रीट कैसे करना है, वही मिथोट्रेक्सेट देंगे इसके अंदर, इसके अलावा सल्फ लिफ्लोनामाइड दे सकते हैं, सल्फाजैलाजिन दे सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दे सकते हैं, और सर्जरी कर सकते हैं। फीमेल प्रेजेंट विद अ कंप्लेन ऑफ द पेन विद द स्वेलिंग ऑफ द स्मॉल जॉइंट एंड हैंड्स एंड फीट। इसके अलावा इसके अंदर ESRB रेज होगा इन द फर्स्ट और CRP 96, बट इज अ प्रोबेबल। इन्वेस्टिगेशन क्या होगी इसकी, डायग्नोज क्या होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आपने डायग्नोज को एस्टैब्लिश करेंगे, जिसके अंदर क्लिनिकल क्राइटेरिया देखेंगे, मॉनिटर करेंगे डिजीज को, रूमेटॉइड फैक्टर करवाएंगे, एंटीसिटोलिनिटी एंटीबॉडी, ESR और CRP इंक्रीज होगा, सीरिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। अब उन्हें रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में हमने बताया था, नैरो स्पेसिंग मिलती है हमें और बोनी एरोजन होती है। वुमन इन द मिड 30 स्टार्टिंग हैविंग द स्टिफनेस ऑफ द बोथ हैंड्स ऑन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, यानी कि जब सुबह उठी है तो उसको जोड़ों में दर्द थी, ठीक है। इसकी इन्वेस्टिगेशन वही लिख देंगे, और ड्रग यूज इन द कंडीशन तो आपने बताया, एनसीड देंगे पेन रिलीफ के। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि एक तो ड्रग्स आपने बता देनी है कि कौन से यूज़ करनी है, ड्रग्स आपको बताया कि मिथोट्रेक्सेट डिमांड्स देते हैं बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। उन्होंने कॉम्प्लिकेशन पूछा तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस और प्लूरल इफियन हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड, 42 ईयर ओल्ड हाउसवाइफ कंप्लेन ऑफ द लो ग्रेड फीवर पेन इन द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स ऑफ बोथ हैंड्स ओवर द पास 6 मंथ, शी हैज टेकन मेनी पेन किलर एंड एंटीपायरेटिक विद सम टेम्प्रेरी रिलीफ, ठीक है। उसे प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंस मतलब स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व है ना, तो 3 मोस्ट लाइक, तो आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, और इसके अलावा कोई भी आर्थराइटिस, जुवेनाइल आर्थराइटिस, वो तो 42 है ना, एज ज़्यादा है, तो इसके अंदर इडियोपैथिक आर्थराइटिस, इस एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सारी लिखते हैं जो भी आपने इस रूमेटोलॉजी में पढ़ी है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, वही आपने डिमांड्स देने हैं, ठीक है। इसके अलावा एनसेड देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर सर्जरी कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉसिबल कॉजेज ऑफ इस एनीमिया, उन्होंने पूछा कि एनीमिया के इसके अंदर क्या कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स इतने ज़्यादा नहीं बनते और फिर एनीमिया कॉज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 32 ईयर ओल्ड बैंकर प्रेजेंट विद द 2 मंथ हिस्ट्री ऑफ द फटीग, जनरलाइज रैशेज एंड द पेन, लास्ट फील स्टिफ इन द मॉर्निंग एंड फाइंड इट डिफिकल्ट बटन अप हिज शर्ट, मतलब कि इवन वो अपनी बटन शर्ट के बटन भी नहीं बंद कर सकती, इतनी ज़्यादा उसको पेन होती है हैंड में, ठीक है। ही अनेबल टू एक्सटेंड टू फ्लेक्स हिज फिंगर फुली, ठीक है। हिज नोज आर स्वेलन, इससे आपको पता चल गया स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व है, इसका क्या मतलब है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैनेजमेंट वही जो ऑलरेडी ऊपर बताया मैंने, कंप्लेन ऑफ द अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस ऑफ द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स एंड फीट, देर आर नो यूरिनरी बट हैज अ स्मॉल नोड्यूल्स नियर द बोथ एल्बोस, थोड़े से नोड्यूल्स बने हुए, ठीक है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, 4 सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन के अंदर पल्मोनरी लिख सकते हैं, प्लूरल इफियन, ऑकुलर में स्क्लेराइटिस हो सकता है, और म्यूकस में ब्रेन ड्राई हो तो सिजोग्रेन हो सकता है, रूमेटॉइड नोड्यूल्स बने हुए हैं बेसिकली, ये जो इसके एल्बोस के पास है ना, ये पैथोगनोमिक साइन होता है फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा इसके अंदर कार्डिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पेरिकार्डियल इफियन, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, फैल्टी सिंड्रोम हो जाएगा,